अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। मिसाक मैशियत और ग्रैंड कौमी डायलॉग सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। माशी, सियासी और आइनी बहरान से कैसे निपटा जाए? मैशियत की तबाही का असल जिम्मेदार कौन है? महंगाई और बेरोजगारी इस्तकाम कैसे आएगा? क्या मिसाक मैशियत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लचक दिखाएगी? हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है या इमरान खान? बजट 2022 क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा? और इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौजूदा हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे इस वक्त चूँकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और आम आवाम की दस्तरस से चीज़ें बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं। अब चूँकि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, एस्टैब्लिशमेंट, सब लोग इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि किसी तरह माशी हालात को बेहतर किया जा सके, IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें बेहतरी आ सके और पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक से माली तौर पे इमदाद हासिल कर सके ताकि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामसान हो सके, पाकिस्तान आगे बढ़ सके। और इस वक्त तमाम जो इख्तलाफात हैं सियासी तौर पे उनको भुलाकर आगे बढ़ा जा सके, इस पे बात हो रही है। और जो थिंक टैंक्स हैं वो इस पे बात कर रहे हैं और पसे पर्दा लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस डायलॉग का हिस्सा बनाया जा सके। और क्या ये पॉसिबल होगा? चूँकि इमरान खान साहब अब कह रहे हैं कि बजट के फौरी बाद वो तारीख देंगे लॉन्ग मार्च की, क्या फौरी इंतखाबात होंगे या नहीं? और हमारी जो माशी इस वक्त सूरत हाल है वो क्या इन तमाम इलेक्शंस के हवाले से और जो बहरान है उन बहरान का को संभालने के लिए और उनको ट्रैक पे लाने के लिए क्या काफ़ी होंगी ये कोशिशें? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने के आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं, माहिर माशी अमूर हैं और ख़ास तौर पर इन अदाद व शुमार के वाले से और मौजूदा सियासी सूरत हाल और माली सूरत हाल ख़ास तौर पर और IMF के साथ मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे, इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त जो हम देख रहे हैं, चूँकि ये हुकूमत दावा कर रही थी कि हम तजर्बेकार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही और हम बेहतर तरीके से डील करेंगे और मुल्क को माशी सूरत हाल से जो इस वक्त महंगाई है उससे बाहर निकालेंगे, ट्रैक पर लेकर आएंगे। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हुआ और पिछले दो महीने की अगर हम बात करें तो महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हुई। अब मौजूदा हुकूमत ये कह रही है चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के साथ डील अच्छे तरीके से नहीं किया, माहिदा सही नहीं किया, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। क्या लगता है आपको कि अब चूंकि मिसाक मैशियत की बात हो रही है, ग्रैंड कौमी डायलॉग की बात हो रही है, आप कहां देख रहे हैं इस वक्त माशी सूरत हाल को और पाकिस्तान आपको ट्रैक पे वापस, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ट्रैक पे आती हुई नजर आ रही है? जी डॉक्टर साहब, कोशिश करें डॉक्टर साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से हमारा रबता बहाल हो। और चूँकि इस वक्त माशी आइनी पूरा बहरान है और इस बहरान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े जो ग्रुप्स हैं, उनको मिलाया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है और मौजूदा हुकूमत कोशिश ये करी है कि किसी तरह का अलायंस बन जाए और इस माशी सूरत हाल से बाहर निकला जा सके और इस बहरान से बाहर निकला जा सके। इसके लिए कोशिशें तेज़ की गई हैं हुकूमत की तरफ से और वो लोग जो माली तौर पर इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो भी इसमें अपना इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग की जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस डायलॉग जिसको ग्रैंड कौमी डायलॉग का नाम दिया गया है, इसका हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुल्क में जो इस वक्त एक बहरान है, एक इस वक्त माली तौर पे, माशी तौर पे और ख़ास तौर पे सियासी और आइनी बहरान है, इससे निपटा जा सके। इसके लिए जो कोशिशें हैं वो मौजूदा हुकूमत करती हुई नज़र आ रही है। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कोशिश की, जो उन्होंने प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी यकीन दहानी कराई कि हम अगर तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठते हैं तो बेहतर हो सकता है। डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं इस वक्त चूँकि माशी सूरत हाल बहुत ही ख़राब है, आम आवाम की दस्तरस से चीज़ें बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं,
लोड शेडिंग बढ़ गई है, आपको लगता है कि चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और मौजूदा हुकूमत जो है वो चूंकि बजट उन्होंने पेश करना है और बजट के बाद IMF को भी राज़ी करना है, जो दोस्त ममालिक हैं वो भी मदद नहीं दे रहे कर रहे, शायद IMF के साथ जो माहदा है उसमें कोई रुकावट आ रही है, किस तरह देखते हैं चूँकि इन तमाम अमूर पर आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं डॉक्टर साहब? जी, आई थिंक जैसे आपने फरमाया, काफी मुश्किल हालात हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक शदीद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ऊंचा गया हुआ है और प्राइमरीली ये तेल की कीमतें जो इंटरनेशनली बढ़ी हैं और यूक्रेन की जंग की वजह से जो डिस्करप्शन हो रही है उसका नतीजा है। अब ये हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा बिजली का निज़ाम जो है वो भी इंपोर्टेड है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमारी तवानाई जो है वो सारी इंपोर्टेड है, खाने पीने की बहुत सी चीज़ें इंपोर्टेड हैं और ये सारी चीज़ें अब इंटरनेशनली बहुत महंगी हो गई हैं और हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं कि उनको हम आराम से खरीदें और सब्सिडाइज कीमतों पे अवाम में बेचें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा क्योंकि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक क्राइसिस सिचुएशन में हुकूमत को जब चेंज करते हैं तो इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता क्योंकि वो जाहिर है कि नई हुकूमत जब आती है तो उसको बड़ा टाइम लगता है काम करने में और स्पीड पे आने में, तो उसकी वजह से हमारा रिस्क प्रीमियम इस वक्त 3-4 गुना ज़्यादा हुआ हुआ है नॉर्मल से। इसका मतलब ये है कि जो हमने कर्जे वापस करने हैं उनको हम रोल ओवर नहीं कर सकते और 10 से 15 अरब डॉलर वो हमें चाहिए उनको सिर्फ वापस करने के लिए और रोल ओवर के लिए हमें IMF प्रोग्राम चाहिए। इसलिए ये मसला पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से बड़ी डेंजरस लेवल पे पहुंची हुई है और जब तक ये हमारा IMF से मायदा नहीं पक्का होता और वो उधर से सिग्नल आता है IMF से कि मायदा हो गया है, उस वक्त तक ये क्राइसिस जो है ये शदीद होता जाएगा और ज़्यादा वक्त अब नहीं है। अगर वो मायदा नहीं होता तो हम फिर डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं और वो हमने श्रीलंका में देखा उसके ठीक, लेकिन इसके लिए इसी डिफॉल्ट से बचने के लिए डॉक्टर साहब, इस डिफॉल्ट से बचने के लिए हमने देखा कि पिछले कई दिनों से ये कोशिश की जा रही है क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी ये बातें हो रही थी कि ग्रैंड कौमी डायलॉग की तरफ आया जाए ताकि वसी तर मफाद में कुछ चीज़ें बेहतर हों। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कोशिश की जा रही है, बड़े ग्रुप्स जो हैं बिजनेस कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। आपको लगता है ग्रैंड डायलॉग से ये मसला हल हो जाएगा और वक्त का तकाजा भी है क्योंकि जब तक माशी इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम नहीं होगा इकॉनमी जा रहा है पाकिस्तान ट्रैक पे नहीं आ सकेगा? देखिए, ग्रैंड डायलॉग इसका सलूशन नहीं है, इसका सलूशन जो है वो इमीडिएट IMF के साथ मायदा है और ग्रैंड डायलॉग में अगर हम पड़े रहेंगे तो IMF का मायदा तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। सो IMF एग्रीमेंट सबसे नंबर वन चीज है और जो भी हुकूमत है वो अगर आई थी कि वो उन्होंने समझा था कि वो पिछली हुकूमत से ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं तो फिर अब जाके वो मायदा करें और वो एग्रीमेंट होगा तो आगे बात चलेगी। लेकिन वो मायदा भी तो नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये कह रहे थे हम तजर्बेकार हैं, पिछली हुकूमत से बेहतर हैं और हम ये चीज़ें बेहतर तरीके से डील करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर आप बड़े करीब से जानते हैं, उस वक्त उन्होंने चीज़ें मैनेज की, अब ये कह रहे थे कि हम तो इससे भी अच्छा मायदा कर सकते हैं। इस वक्त तक की जो खबरें हैं मायदा ज़ाहिर करने में रुकावट है, यही वजह है शायद कि सऊदीया भी तुर्की भी आपको इमदाद देने में थोड़ा सा ग्रेज कर रहा है? जी, ये बिल्कुल थोड़ा सा नहीं, ये कंडीशन है सबकी कि IMF के साथ आप एग्रीमेंट करें और IMF की कंडीशन है कि आपने प्रायर एक्शन करनी है कि आपने जो इंपोर्ट्स हैं आपकी उनको आपने कर्टेल करना है थ्रू एक्सचेंज रेट और दूसरा है कि वो जो कीमतें हैं इंटरनेशनल कीमतें उनको आपने पास थ्रू करना है अवाम तक और उसमें तेल की कीमत, खाने की कीमत, बिजली की कीमत ये सारी जो है इनको फुल प्राइस करना है
और एक रियायत वो ये दे रहे हैं कि जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं उनका आप जरूर ख्याल रखें, उनको आप सब्सिडी वगैरह दें, लेकिन दूसरे जो तबके हैं उनके ऊपर फुल इम्पैक्ट आएगा। और जो बजट है वो रवायती बजट आप नहीं बना सकते, क्योंकि रवायती बजट में तो आप बहुत खर्चे करते हैं जो फजूल खर्चे होते हैं और उनका कोई रिटर्न नहीं होता, लेकिन वो सियासी होते हैं तो वो उस किस्म का आप नहीं खर्चा कर सकते। और हमारा आपको पता है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम आम तौर पे इनका कोई रिटर्न नहीं आता, ये खर्चा कर दिया जाता है और उसके बाद ना तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और ना आवाम को उसका कोई खास फायदा होता है। तो इस बजट में भी वो तकरीबन 2100 अरब के करीब वो पैसे रखे जा रहे हैं, तो वो एक किस्म की है प्रॉब्लम कि वो उसको क्यों नहीं कट डाउन किया जा रहा, क्यों नहीं हमारे जो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्यों नहीं कट डाउन किया जा रहा, करंट एक्सपेंडिचर्स को क्यों नहीं कट डाउन किया जा रहा, क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन का कोई अमल नहीं आ रहा बीच में, कोई डीरेगुलेशन नहीं हो रही और एक किस्म की फ्रीज हुई हुई है हुकूमत, और उनको वो डायलॉग कर रहे हैं लेकिन असल चीज तो है कि IMF प्रोग्राम करें और बजट बनाएं और उसके बाद डायलॉग करें कि अब इलेक्शंस कब होनी है और कैसे होनी है, और उसको हमें इमीडिएटली जाना चाहिए अवाम के पास, क्योंकि अनसर्टेंटी जो है इस वक्त पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है, और जब तक अवाम अपना मैंडेट नहीं देगी तो उस वक्त तक काम नहीं चलेगा। और सब पॉलिटिकल पार्टी जो हैं ये अपने अपने मैनिफेस्टो में डालें कि ये किस किस्म की रिफॉर्म करना चाहते हैं और अवाम के सामने रखें, ताकि अवाम उस रिफॉर्म के ऊपर आपको वोट दे और आप एक मेजोरिटी लेके आए और वो रिफॉर्म्स करें। ठीक है शाह साहब, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें नजर आ रही है और आप ज़रा इस चीज को बेहतर समझते हैं, आपने पंजाब को सर्व भी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, किस तरह देखते हैं कि क्या IMF के साथ जो एग्रीमेंट है मुफ्ती इस्माइल साहब कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन जानबूझ कर नहीं कर रही चूंकि ये दावा कर रहे थे कि हम बड़े एक्सपर्ट हैं, या इनको लगता है कि अगर ये मायदा कर लिया उसके बाद महंगाई होगी, हुकूमत ये चाह रहे हैं कि चूंकि बड़ी ग्रुपिंग है मुस्लिम लीग नोन के अंदर भी और ये जो 12 जमाती इतिहाद था उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी बड़ी जमातें जो हैं वो पीछे नजर आ रही हैं, ये सारी तनकीद चूंकि मुस्लिम लीग नोन पर हो रही है और ये थोड़ा सा शायद डर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप आ जाए, वही मायदा करें, वही वो करें, कहाँ इशू कहाँ आ रहा है? देखिए एक तो ये है कि मुफ्ती इस्माइल साहब कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लगते इसके बारे में, क्योंकि उनको जब वो अप्रैल में वॉशिंगटन गए थे IMF से मुलाकात करने वो स्प्रिंग मीटिंग्स में, तो उसी वक्त ये डील हो जानी चाहिए थी, वो उस वक्त ये अगर फुली एम्पावर्ड होते जी जी। और ये जाते और वो अपना डील करते तो आज हमारे हालात इस तरह ना होते, बहुत आपकी मार्केट्स में एक कॉन्फिडेंस आ जाता, लेकिन मुफ्ती साहब ने अप्रैल में भी नहीं किया, उसके बाद फिर दोहा गए, वो एक और मौका मिला जिसमें ये हो सकता था और वहाँ भी नहीं हुआ और बल्कि वहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स ज़रा ज़्यादा ही हो गई, उसके बाद फिर अब ये बजट का है कि अगर ये बजट रवायती किस्म का उसी तरह का बनाया जिसकी कोई हकीकत नहीं होगी IMF के नज़र में, तो फिर आई थिंक हम बड़े शदीद बुरान में पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिर IMF जो है उसका मूड नहीं है कि आपको वो बेल आउट करे बगैर आपके अप फ्रंट एक्शन करने के। अच्छा, तो आई थिंक ये सियासी तौर पे एक बहुत बड़ा डैमेजिंग सियासी और इकोनॉमिक्स दोनों चीजों के लिए बड़ा डैमेजिंग होगा कि अगर हम IMF के साथ नाकाम हो गए और हम डिफॉल्ट के दाने पे पहुंच जाएंगे और फिर श्रीलंका वाली सिचुएशन खुदा ना खास्ता पैदा हो सकती है, खुदा ना खास्ता बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, किस तरह देखते हैं पिछली हुकूमत की जब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस वक्त इन्हीं हालात बल्कि इससे भी ज्यादा टफ सिचुएशन थी, जाहिर आप सर्व कर रहे थे, कोरोना जैसा माहौल था, एहसास प्रोग्राम चल रहा था, लंगरखाने चल रहे थे, सेहत कार्ड था, कामयाब जवान प्रोग्राम था, कामयाब पाकिस्तान किसान प्रोग्राम, शेल्टर होम्स, कोई भूखा ना सोए, ये सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हीं हालात
मुश्किलात में मैनेज कर रही थी और अब हुकूमत ने 2000 रुपए का रिलीफ दिया है जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो ये हुकूमत क्यों आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही? उसकी वजह ये है कि जब एक जंग में आप सिपा सलार को बदल देते हैं तो वो जंग जीतनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी तरह इकोनॉमिक जब हमारे एक क्राइसिस था, हमारा एक प्रोग्राम था IMF के साथ, उसके दरमियान में आपने हुकूमत बदल दी और जिस दिन वो हुकूमत बदली उस दिन आपका रिस्क प्रीमियम 3 गुना ज्यादा हो गया और वो आज भी उतना चल रहा है, जिसका मतलब है कि दुनिया अब आपको नहीं ट्रस्ट करती और जब तक आप ये फैसले नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आपका एतमाद बहाल नहीं होगा। तो आई थिंक कि अब उसको रिकग्नाइज करते हुए ये अब जल्दी से हमें अपने बजट में और उसके साथ ही IMF प्रोग्राम की सिग्नेचर होने चाहिए और उसके बाद रोड मैप होना चाहिए इलेक्शंस का, ताकि अनसर्टेनिटी खत्म हो और हम नॉर्मल बिजनेस करें, इलेक्शन करें, डेमोक्रेसी लाएं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि फौरी तौर पे आपको IMF में जाना होगा, मायदा करना होगा, हेजिटेशन का शिकार है मौजूदा हुकूमत और उसकी बड़ी वजह यह है कि चूंकि ये बड़ा मुश्किल फैसला है और इस फैसले के बाद अगर वो इलेक्शंस में जाते हैं तो इसके नतज बिल्कुल बरक्स होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी मकबूलियत खो सकती है और खान साहब इस पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और पूरी सूरत हाल चूँकि चलती हुई हुकूमत को गिराया गया और ये सूरत हाल मुस्लिम लीग नून और PTM इत्तेहाद के खिलाफ जा सकती है, इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।